हाल ही में रिलीज हुई पानीपत मूवी का देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। फिल्म में महाराज सूरजमल की भूमिका के साथ छेड़छाड़ की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर जाट समाज में तगड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज करा है उन्होंने, कभी अपने सीने पर गोली नहीं खाई है और उन्होंने देश के प्रति आंदोलन करा है। उसके खिलाफ जो उन्होंने बनाया है, उसको फिल्म का जो सीन दर्शाया है वो गलत दर्शाया है। हम ये चाहते हैं कि जो हकीकत है आप हकीकत बताइए, हम आपके साथ हैं। बाकी इस टाइप का अगर गलत बता के और हमारे समाज को या हमारे राजा महाराजाओं को आप प्रताड़ित करोगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। इस विरोध में हमने आज ये ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं ये फिल्म जल्द से जल्द बंद की जाए। किस तरह का विरोध रहेगा अगर आपकी वाकई नहीं बनेगी? भाई जो भी विरोध होगा समाज के हित में होगा और देश के हित में होगा। आप कोई तोड़फोड़ लड़े झगड़ा या मारपीट करेंगे नहीं। बाकी हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग ये है कि बस फिल्म बंद कर दी जाए या उस फिल्म को सुधारा जाए, जो हकीकत बताया जाए, ताकि लोगों के इतिहास में मालूम पड़ा है कि इतिहास के अंदर जो महाराजा सूरजमल का जो इतिहास रहा है वो आज के लोगों को मालूम नहीं है। उसको आप गलत बता रहे हो, हम नहीं चाहते कि आप गलत बताएं, आप हकीकत बताओ, हम आपके साथ हैं। क्या नाम आपका? मोहन चौधरी, उपाध्यक्ष वीर तेज जाट समाज समिति। ठीक है। पानीपत पिक्चर जो अभी दर्शाई गई है, पिक्चर लगी है, इसके अंदर हमारा महाराजा सूरजमल जी के खिलाफ जो टिप्पणी दी गई है, दर्शाया गया है इसमें जो कुछ सीन, उसके खिलाफ हमने ये ज्ञापन दिया है और इसको जल्द से जल्द इस मूवी को बंद की जाए, वरना जाट समाज के अंदर इतना आक्रोश देखने को मिलेगा कि प्रशासन भी उसको नहीं संभाल पाएगा। किस तरह के सीन उसमें दर्शाए गए हैं? इसमें जो महाराजा सूरजमल जी को उसमें नीचे दिखाया गया, इन्होंने मराठा परिवार और मुगलों को ऊपर बताया गया, जबकि मराठाओं की और मुगलों की उन्होंने मदद करी थी और उन्होंने उनको 6 महीने की पनाह भी दी थी महाराजा सूरजमल। और महाराजा सूरजमल के ऊपर इतिहास गवाह है कि आज तक उनके किले को कोई नहीं तोड़ पाया। कितना चाहते हो आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि इस मूवी के अंदर से या तो ये सीन हटाया जाए या मूवी बंद कर दी जाए जल्द से जल्द। अगर आपकी मांग नहीं मानी है तो आप क्या करें? इसके अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये जो पैकेज है देखने को पिक्चर मिल रही है, पिक्चर देखने को मिलेगी नहीं। किस तरह जन आक्रोश आप लोगों में? जन आक्रोश आपने राजस्थान में देखा ही होगा, कल भी जयपुर के अंदर तोड़फोड़ हुई है मॉलों में, जगह जगह ज्ञापन देने के बाद भी बंद निकल गई तो वहाँ जाटों में आक्रोश देखा गया। अब नीमच में क्या स्थिति रहेगी? नीमच में आज ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, देखो जो भी रिजिशन होता है आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द मूवी बननी होती है तो इसका रिजल्ट आपको कल 24 घंटे के अंदर देखने को मिलेगा। क्या नाम आपका? समीप चौधरी, जाट समाज अध्यक्ष। ठीक है। हाँ सर, जाट समाज की इस बात को लेकर आपको ज्ञापन दिया, क्या है मूवी में? जाट समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन का आशय ये है कि कोई फिल्म बनाई है पानीपत। उनका कहना है कि राजा सूरजमल है, उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है, तो इसलिए जो है इस फिल्म के कुछ दृश्य जो है वो आपत्तिजनक हैं, इस आशय का उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। सर, उनका ये कहना है कि अगर फिल्म का लगन नहीं हटाती गई तो उसको लेकर कहना कि सिनेमा घरों को उसका पूरा विरोध करना पड़ेगा। अब उन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के बाद कानून व्यवस्था और ये सब की स्थितियों के बारे में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा भी करेंगे।